नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और कनाडा के बीच में जो जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों को लेकर जो एक नया बवाल खड़ा कर दिया उसके बारे में। अब ये जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें संभवतः आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल गई होगी सोशल मीडिया पर से, मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल से, यूट्यूब पर से और अन्य जगहों से। लेकिन इन सभी जगहों पर कुछ चीजें, खास करके दो ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में किसी ने भी बात नहीं की है, उसके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है, जबकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कनाडा की गवर्नमेंट के ये जो स्टैंड्स हैं और उसमें आरसीएमपी का जो रोल है, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस का, जिसका नाम इस बार जस्टिंदर सिंह ट्रूडो ने लिया है, उन लोगों का अब वो क्या है, उसी के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसी के ऊपर प्रूफ के साथ आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करेंगे ताकि आप लोग समझ पाए कि ये आरसीएमपी एग्जैक्टली क्या है और क्यों इस बार, जहां पर पहले सीएसआईएस की बात हो रही थी जो कि कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस, जहां पर पहले उन लोगों को साइट करके जस्टिंदर सिंह ट्रूडो ये सब बयान, अनर्गल बयान भारत के अगेंस्ट में दे रहा था, उसी के सामने इस बार उसने आरसीएमपी का नाम क्यों लिया, आरसीएमपी को इसमें क्यों घसीटा गया, उसी के ऊपर इसमें चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपको संभव का और कहीं पर भी इजीली नहीं मिलेगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती जाए जिससे आपको दुनिया में जो हो रहा है और भारत के अगेंस्ट में या भारत के लिए जो हो रहा है उसको समझने में आपको आसानी। साथ ही में यहाँ पर क्यू आर कोड दिया है तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करें ताकि इस प्रकार की खबरें हम लोग ला दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ब्रीफ ओवरव्यू से कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो ये जो पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ कुछ ही दिनों पहले, जब जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा जाकर, लाओस से कनाडा जाकर ये बयान दिया कि उसकी नरेंद्र मोदी जी के साथ बात हुई है और उसने ये जो निज्जर की हत्या का मामला है और सब ये जो खालिस्तान से रिलेटेड मामले हैं उसके बारे में कुछ बात की है। बाद में भारत से ये क्लैरिफिकेशन आ गया कि ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है, ट्रूडो झूठ बोल रहा है, उसको एक्सपोज कर दिया भारत की सरकार ने, भारत की एजेंसीज ने। तो उसी के चलते वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। साथ ही में जो खालिस्तानी हैं उनकी भी जो एक्टिविटीज हैं कनाडा में वो चलती रहती हैं, उनको वहां पर फ्री हैंड मिला है कब से, पीएर ट्रूडो के टाइम से, यानी कि जस्टिंदर सिंह के बाप के टाइम से उन लोगों को, इन खालिस्तानी उग्रवादियों को फ्री हैंड मिला हुआ है, जिसके चलते वो इस प्रकार की गतिविधियां टाइम टू टाइम कनाडा में कॉन्स्टेंटली करते रहते। तो ये जो गतिविधियां वहां पर हो रही हैं, जिसमें इस बार विजयादशमी के मौके पर उन लोगों ने संजीव वर्मा जी जो कि इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा है, उनका फोटो लगाया रावण के पुतले पर और उसको जलाया और उसके ऊपर शूट किया, उसको टारगेट बनाया। तो इसी के चलते एक बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो गई। उसको दबाने के लिए जस्टिंदर ने कुछ बयान दिए और संजीव वर्मा को ही पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से जो निज्जर की हत्या हुई है उसमें कंसिडर किया गया। अब ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो बेसिकली ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर जरूरत पड़ी तो इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा संजीव वर्मा जी को कनाडा की सरकार या पुलिस, आरसीएमपी खास करके, इंक्वायरी के लिए वहां पर बुला सकते। संजीव वर्मा जी कौन है, उनका थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं ताकि आप लोग समझ पाए कि उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। संजीव वर्मा जी 35 साल से ज्यादा से एज एन एम्बेसडर टू इंडिया अलग अलग कंट्रीज में काम कर चुके हैं, जिसमें सूडान भी शामिल है और अन्य कुछ कंट्रीज भी शामिल है। हाल में उनको कनाडा भेजा गया है तो वहां पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो संजीव वर्मा है ये क्या करते हैं कि समय दर समय वहां पर जो इंडियन कम्युनिटीज है, बिकॉज ही इज एन इंडियन हाई कमिश्नर, वो वहां पर कनाडा में जो भी इंडियन कम्युनिटीज है उनको समय दर समय मिलते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं, वहां की जो कंडीशंस है उसके बारे में जानते हैं और उसके हिसाब से वहां की गवर्नमेंट के साथ या फिर भारत की गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन भी करते हैं। इट इज अ वेरी कॉमन डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस, ये सभी कंट्री के लोग करते ही हैं। जैसे कि रिसेंटली मुझे जो आया था भारत में, उसी समय उसने बैंगलोर विजिट की थी और बैंगलोर में जो भी मालदीवियन कम्युनिटी है उनको वो मिला था और उनके साथ बातचीत की थी और उनकी जो भी दिक्कतें हैं, उनको जो भी इश्यूज आ रहे हैं भारत, उनको सॉल्व करने के लिए उसने आश्वासन दिया। इसी प्रकार से वहां पर संजीव वर्मा जी हैं जो इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन ये जो संजीव वर्मा जी हैं उनकी इन एक्टिविटीज के चलते
उनको टारगेट बनाया जा रहा है, ये स्पष्ट कर दें किस तरह से टारगेट बनाया जा रहा है और ऐसी कौन सी घटना है जिसके ऊपर से हम ये कह रहे हैं। तो वो एक्टिविटीज ऐसी हैं, तो वो समय दर समय अलग अलग गुरुद्वारा भी जाते हैं। अब कैनेडा में, यूएस में या किसी भी कंट्री में, सभी सिख ऐसे नहीं है कि वो खालिस्तानी आइडियोलॉजी रखते हैं, लेट अस बी क्लियर विद दैट। तो वहां पर ऐसे कई सारे कैनेडा में भी सिख है जो एंटी खालिस्तानी है, जो प्रो भारत है। तो उन्हीं लोगों को वो समय दर समय मिलते हैं, वो हिंदूज को भी मिलते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं फ्रॉम इंडिया उन लोगों को भी मिलते हैं, और अन्य कम्युनिटी से भी वो लोग, उनको भी वो समय दर समय मिलते हैं। लेकिन वो जब भी गुरुद्वारा जाते हैं, किसी भी गुरुद्वारा जाते हैं, स्पेशली जब किसी सिख कम्युनिटी से मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई होती, उस समय ये खालिस्तानी अपने झंडे लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं, और ये जब उनके फैमिली के साथ वहां पर होते हैं, गुरुद्वारा पहुंचे होते हैं, तब वहां पर वे लोग नारेबाजी करते हैं, अनर्गल बयान देते हैं, बहुत ही भद्दी भाषा का उपयोग करते हैं, और वहां से इनको भागने पर, जी हाँ भागने पर, एक इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा में गुरुद्वारे से वापस जाने पर मजबूर करते। इसके बीच में वहां की कनाडा की ना ही आरसीएमपी आती है, ना ही कोई इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी फोर्सेस या इंटेलिजेंस एजेंसी बीच में इंटरप्ट उन लोगों को करते। इसी की वजह से संजीव वर्मा जी इन लोगों के टारगेट पर हैं। संजीव वर्मा जी को जितनी जल्दी हो सके वहां से उन लोगों को भगाना है, क्योंकि संजीव वर्मा जी इस प्रकार की एक्टिविटीज कर रहे हैं कि जो भी भारतीय कम्युनिटी है उनको जोड़ के रखा जा सके, और उसके चलते इनका जो खालिस्तानी एजेंडा है वो आगे उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है जितनी तेजी से वे लोग बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी के चलते संजीव वर्मा जी वहां पर टारगेट पर थे, और कैनेडा की गवर्नमेंट जिसका वोट बैंक है खालिस्तानी पूरा, उन लोगों के लिए भी ये एक बहुत ही दिक्कत देने वाली चीज। तो उसी के चलते उन्होंने सीधा इधर संजीव वर्मा जी का नाम ले लिया, जसटिंदर कौर ने, और उनको वहां से एक्सपेल करने की बात की। उसके सामने भारत में भी 6 अलग अलग ऐसे जो कैनेडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे भारत, उन लोगों को भारत से भगा दिया। अब उनको भगाने के पीछे का रीजन ये है कि ये वो लोग हैं, ये जो 6 लोग हैं वो ऐसे लोग जो भारत में ऐसे खालिस्तानी तत्वों को एनकरेज करते हैं और उनके साथ करप्शन करके उनको वहां पर कनाडा में असाइलम वीजा मिल जाए, इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं। यहाँ पर इलीगल डॉक्यूमेंट्स किस तरह से बनाने हैं और उनको किस तरह से पास करवाने हैं, उस प्रकार की एक्टिविटीज में वो लोग इन्वॉल्व है। तो उसी के चलते ये जो 6 डिप्लोमेट्स हैं, अब ये सब अंदर की बातें हैं, ज्यादा बाहर नहीं आती है, लेकिन हमने खुद 12 साल वीजा कंसल्टिंग फॉर्म चलाई है। तो इसी के चलते इसके अंदर की जो भी गतिविधियां हैं उसमें काफी हद तक हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो उसी के चलते ये बात स्पष्ट थी कि ये लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो उसी के चलते ये जो 6 लोग थे जो भारत में थे, जो कैनेडियन ऑफिशियल भारत में थे, उन लोगों को भारत में लात मारकर भगा दिया। अब ये जो जसविंदर कौर ने किया है वो उसकी वोट बैंक को साधने के लिए किया था। क्यों? क्योंकि वहां पर एनडीपी के साथ, जो कि उसका अलायंस पार्टनर है, एनडीपी यानी कि नेशनल डेमोक्रेट पार्टी, जो कि जगमीत की पार्टी है। अब जगमीत कौन है वो हम सभी को पता है, एक खालिस्तान समर्थक और एक गैंगस्टर का सगा है, वो एक गैंगस्टर का फैमिली मेंबर है। वहां पर एक गैंग चलता है, धालीवाल गैंग, और उसी धालीवाल गैंग के साथ इस जगमीत सिंह के डायरेक्ट रिलेशन है, फैमिली टाइज है। अगर आप सर्च करेंगे धालीवाल गैंग वहां पर कनाडा में, तो आपको उसकी डिटेल्स बहुत ही इजीली मिल जाएंगी। तो ये जो खालिस्तानी समर्थक वहां पर है एनडीपी, और एनडीपी को लीड कर रहा है जगमीत सिंह धालीवाल, जो उसका पूरा नाम है, इस जगमीत सिंह धालीवाल को कंपेल करने के लिए, उसको मजबूर करने के लिए कि वो अलायंस में बना रहे, जसटिंदर कौर ये सब गतिविधियां कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने कहा कि आरसीएमपी का क्या रोल है इसमें, सीएसआईएस की जगह पर आरसीएमपी क्यों ले आए, कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की जगह पर यहां पर इस बार आरसीएमपी यानी कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस का नाम क्यों लिया गया? तो उसका रीजन ये है कि बहुत ही रिसेंटली आरसीएमपी ने यानी कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस डाइवर्सिटी के चक्कर में ऐसे एलिमेंट्स को अपनी फोर्स में शामिल कर लिया है, जैसे कि कुछ गुरुद्वारों से ऐसे एलिमेंट्स को अपने में शामिल कर लिया है जिन लोगों की आइडियोलॉजी डायरेक्टली खालिस्तान से मिलती है। अब इसका क्या सबूत है हमारे पास? तो वेट फॉर अ सेकेंड, आरसीएमपी में जो सबसे पहला सिख है जिसको पगड़ी पहनने की परमिशन मिली थी, ये है वो व्यक्ति। उसने आरसीएमपी छोड़ने के बाद यानी कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस छोड़ने के बाद ज्वाइन कर लिया नन अदर देन पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड एनडीपी।
विच रिप्रेजेंट्स खालिस्तानीज इन कैनेडा। तो ये रहा पहला प्रूफ आप लोगों के लिए, अब जो चुनाव आएंगे उसमें वो लड़ने वाला है तो उसका कैंपेनिंग भी चल रहा है। तो ये पहला प्रूफ है कि जहां पर ये क्लियर हो जाता है कि आरसीएमपी में ऐसे लोग हैं जो खुद खालिस्तानी है या फिर खालिस्तानी समर्थक है। दूसरा जो एक वीडियो एविडेंस है जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि आरसीएमपी का एक सिख ऑफिसर वहां पर एक खालिस्तान रैली में सेलिब्रेट कर रहा है और उन लोगों के साथ गले भी खुलकर मिल रहा है। ये वीडियो ज्यादा सर्कुलेट नहीं हो रहा है, ये रहा वो वीडियो। आपको शुरुआत में वो नहीं दिखाई दिया होगा लेकिन अंत में खालिस्तानियों के फ्लैग उसी रैली में एनसर्कल करते हुए दिखाई पड़ते। तो इसी प्रकार से आरसीएमपी जो है रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, इट इज इन्फेस्टेड विद नॉट जस्ट खालिस्तानी रेडिकल एलिमेंट बट लॉट ऑफ अदर इस्लामिक रेडिकल एलिमेंट एंड लॉट ऑफ अदर रेडिकल एलिमेंट एज वेल। तो ये है आरसीएमपी की हकीकत, दिस इज द रियालिटी of Royal Canadian Mounted Police who is infested by none other than the radical this government considers its vote bank. तो इसी की वजह से CSIS को हटाकर जस्टिंदर कौर ने इस बार आरसीएमपी को साइड किया है और आरसीएमपी को इस डिस्कशन का पार्ट बनाया है। बेसिकली ऑल इन ऑल ये जो पूरा एक नैरेटिव चलाया गया है और उसमें संजीव वर्मा जी के साथ जो बदतमीजी की गई है जिसके चलते भारत ने यहां से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है एंड वी स्टैंड बाय आवर गवर्नमेंट कि ये जो स्टेप भारत की सरकार ने लिया है वो पूरी तरह से जस्टिफाइड है। वी डू नॉट वांट एनी टाइज विद कनाडा, लेट इट बी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और इवन रिलेटेड टू ट्रेड। अब यहां पर हमने ट्रेड का मेंशन किया तो यहां पर बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये एक और पहलू है जिसके बारे में किसी ने डिस्कशन नहीं किया है। ये जो नैरेटिव है जैसे कि हम वीडियो की शुरुआत से बोल रहे हैं कि ये उनके इंटरनल वोट बैंक के लिए, इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए है ना कि भारत के लिए, उसको जस्टिफाई करता हुआ एक और प्रूफ कल ही निकल कर आया जहां पर उनकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में से ये स्टेटमेंट आया कि भले ही भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस डिस्टर्ब क्यों ना हुए हों या फिर डिस्टर्ब क्यों ना हुए हों, भारत के साथ जो ट्रेड है वो चालू रहेगा। वी अश्योर आवर बिजनेस कम्युनिटी एंड एवरीवन हु हैज इन्वेस्टेड इन इंडिया कि भारत के साथ जो ट्रेड है वो वैसे का वैसा रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी डिस्टर्ब। तो इसी प्रकार से ट्रेड वाला जो मामला है जहां से पैसे आते हैं उसमें उन लोगों ने टच नहीं किया, उसको ग्रीन लाइट दे दी कि भाई आप करते रहो क्योंकि ये जो मामला है ये इंटरनल पॉलिटिक्स का है। हमने भारत को एनिमी बनाया है सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन इन बुद्धुओं को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो रिलेशंस उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए उसके बहुत ही बड़े रिपरकशंस होने वाले। तो बेसिकली ऑल इन ऑल ये जो पूरी एक कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हुई है, खड़ी की है जिसमें निज्जर की हत्या के मामले में संजीव वर्मा जी को कहीं ना कहीं पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताने की बात उसने कही है और संजीव वर्मा जी के साथ बदतमीजी की, उसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ कनाडा की इंटरनल वोट बैंक पॉलिटिक्स है और उनका अलायंस। दैट्स ऑल देयर इज टू दिस स्टोरी। और ये जो आरसीएमपी आया है उसके पीछे का जो रीजन है वो बेसिकली ये है कि आरसीएमपी इज इन्वेस्टेड बाय खालिस्तानीज और आरसीएमपी को साइड करने से जस्टिंदर कौर सेफ हो जाएगी और अल्टीमेटली ये जो पूरा नैरेटिव है वो इजिली पुश कर पाएगी और ये नैरेटिव पुश करने के बाद खालिस्तानी प्रो खालिस्तानियों पे से ये बयान आया कि दे आर सेटिस्फाइड, उनको ऑर्गेजम वाली फीलिंग आ गई।
ऐसे भी बयान उन लोगों की तरफ से आ गए हैं। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा खेल था, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी कॉन्जोर अप की गई थी, खड़ी की गई थी, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ कनाडा की इंटरनल पॉलिटिक्स और उनके अलायंस में जो दरारें हाल में बढ़ गई वो। अदरवाइज कनाडा में इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, साथ ही में वहां पर हाउसिंग क्राइसिस बहुत ही मैसिव है, इवन यहां तक कि वहां पर चाइनीज पुलिस स्टेशन है। तो उन लोगों को एनिमी ना बनाते हुए जसलिंदर कौर खालिस्तानियों को साधने के लिए ये एक पूरा नैरेटिव चला रहा है पिछले एक साल से, और इसमें थोड़ा बहुत नैरेटिव में चेंज हुआ है, CSIS टू RCS, दैट्स इट। ये स्टोरी बस इतनी ही है, इससे ज्यादा ये और कुछ भी नहीं है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया। आपको चाहिए तो प्रूफ दीजिए, ले जाइए उसको सामने, हमको दे दीजिए, हम जो लोग भी मांग रहे हैं उनको, बाद में हम आगे बात कर सकते हैं। उसी तरह से अगर US भी कुछ बोलता है, US बोलने की कंडीशन में ज्यादा है नहीं, क्योंकि तो हाल ही में इंडियन डेलीगेशन गया है वहां पर, ये जो पन्नू के असैसिनेशन प्लॉट वाला मामला चल रहा है उसको लेकर, तो US में से भी कुछ ही समय में थोड़े बहुत बयान आएंगे, लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन ये जो खालिस्तानी नैरेटिव है वो थोड़ा ठंडा पड़ गया था, तो उसको फिर से उठाने के लिए और अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को साधने के लिए जसविंदर कौर ने ये सब ड्रामा किया है। ये है पूरी स्टोरी, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है उसके पीछे ही। आपको क्या ये इन्फॉर्मेशन पता थी? RCMP की ये जो हकीकत है, उनके जो खालिस्तानियों के साथ कनेक्शन, उनके बारे में क्या आपको इन्फॉर्मेशन थी? ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। साथ ही में कैनेडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में से ये जो बयान आया उसके बारे में क्या आपको इन्फॉर्मेशन थी, और क्या उसको पर्सपेक्टिव में रख के आपने सोचा कि ये पूरा नैरेटिव क्यों चलाया गया है, ये भी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस प्रकार की खबरें मिलती रहें, एक ऐसे एंगल से इंफॉर्मेशन मिलती रहे, प्रूफ के साथ मिलती रहे, जो आपको संभवतः मेन स्ट्रीम मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में या फिर अन्य यूट्यूब चैनल्स पर नहीं मिलेगी। हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खबरों को चिपका कर बात नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं, और सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ते हैं। वी एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड वी गो डीप टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। फिर से एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जुड़े रहे हमारे साथ। साथ ही में यहाँ पर QR कोड दिया है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करें, ताकि हम लोग इस प्रकार से गर्द में से भी खबरें आप लोगों के लिए लाते। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर मानव।